दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ पर जीके जीएस के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप सभी के पेपर में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं और आने वाले एग्जाम में यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आप सभी के पेपर में डिप टू क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। लाइव क्लास चलेगी, सभी लोग वीडियो को स्टडी ग्रुप में क्या करना है, सभी लोगों को वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर कर देना है। इसकी फ्री पीडीएफ फाइल आप सभी को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इस वीडियो को आए हैं तो प्लीज कंप्लीट ही देखना, आप सभी लोग वीडियो पर आए हैं तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा जुनून के साथ देखिएगा, माँ की सौगंध खाकर वीडियो पे आया करें। ठीक, और यहाँ पर बोला करें जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक, इस एटीट्यूड के साथ आओगे तभी सिलेक्शन पा पाओगे। ठीक, आप सभी लोग तो यहाँ पर वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा समय लगा है, 2 दिन का टाइम वेस्ट हो गया है। ठीक, वीडियो को कंप्लीट होने में तो प्लीज आप सभी लोग अपना रिस्पॉन्स जरूर दें यहाँ पर और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्या पता लास्ट के 10 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आ जाए आप सभी का, तो पॉइंट 1 पॉइंट 2 से सिलेक्शन सभी का रुक जाता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखने वाला आप सभी का। ठीक, जो भी बच्चे यहाँ पर वीडियो को देखने आए सीरियस बच्चे ही देखें, ठीक है, वरना जा सकते हैं। ठीक, तो जो भी बच्चे देखें लास्ट तक वीडियो को देखें। चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पीडीएफ टेलीग्राम से ले लेना, 10 तक अकेडमी नाम से टेलीग्राम बना हुआ है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बकवास ना करते हुए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, चलिए पूरी इसमें 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं जो कि आप सभी के पेपर में इससे 1 से 2 क्वेश्चन 100% यहाँ पर रिपीट होने वाले हैं। ठीक, बिल्कुल सेम टू सेम वहाँ पर पेपर में देखने को मिलेंगे, तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। चलिए इस क्वेश्चन हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं, लास्ट में बताने हैं कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए हो आप लोग। ठीक, चलिए क्या क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो यहाँ पर क्या बनना है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। 4 ऑप्शंस पढ़िए नीचे दिए गए और राइट आंसर बताने की कोशिश करें, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, बनारस में, कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया में। 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, राइट आंसर किसके साथ जा रहा है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया में। ठीक है, राइट आंसर जाए इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक, कहाँ प्राप्त हुआ था, बोधगया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखें कंप्लीट इसका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर यहाँ पर क्या बनना है, देखिए पर सेकेंड क्वेश्चन क्या बना, सेकेंड क्वेश्चन का भी अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था, चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक राजदूत भेजा था उसका नाम क्या था, हेरोडोटस, ह्वेनसांग, मेगस्थनीज या फिर हेलियोडोरस। तो राइट आंसर जा रहा सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मेरे चैनल का एक टारगेट रहता है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का, 40 से 45 या 50 मिनट लग सकते हैं, 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे, नहीं कि एक क्वेश्चन पे आधा सेकेंड का टाइम तो लगता ही है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक राजदूत भेजा था उसका नाम क्या था, यहाँ पर मेगस्थनीज था। देखिए वीडियो को लास्ट तक प्लीज देखें, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ी है वीडियो को बनाने में। ठीक है, और यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में 100% याद है, सियोर फंसेगा, चाहे बीएसएफ ट्रेड्समैन हो, सीआईएसएफ फायरमैन हो, एसएसबी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे, एनटीबीसी, ग्रुप डी, कोई सा भी एग्जाम हो, पुलिस वुलिस का, सभी में क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है, देख लेना आप लोग, तो प्लीज़ जो भी बच्चा जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है इसको पूरा जरूर वॉच करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या बनना है, देखिए थर्ड क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का बहना नहीं रुकता है, किस विटामिन की कमी से खून का बहना नहीं रुकता है। 4 ऑप्शंस पढ़िए फटाफट यहाँ पर नीचे दिए गए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के। तो करेक्ट आंसर था इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ, विटामिन के की कमी से रक्त का बहना नहीं रुकता है। गाइस याद रखें जब विटामिन के की कमी होती है तो यहाँ पर खून का बहना नहीं रुकता है, याद रखें। विटामिन बी कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन सी कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन ए कमी से कौन सा रोग होता है, आप से लोग प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, बताना आप सभी को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या बना, फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर 3 क्वेश्चन तक आप सभी के लिए दे सकता हूँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, नेल्सन मंडेला, बिल क्लिंटन, लेरी रोडाम क्लिंटन, मार्गरेट थैचर। तो क्या ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है या फिर डी करेक्ट, देखते हैं आप लोग जीके पढ़ते हो तो राइट आंसर कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या बनना क्वेश्चन, तुल्यांकी कक्षा की ऊंचाई, मतलब कि तुल्यांकी कक्षा की ऊंचाई कितनी पर, या तुल्यांकी कक्षा कितनी ऊंचाई पर है ये पूछा जा रहा आपसे भी से। ठीक, तुल्यांकी कक्षा कितनी ऊंचाई पर है ये पूछा जा रहा आपसे भी से। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, 600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर या फिर 36000 किलोमीटर। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है, 36000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है तुल्यांकी कक्षा, याद रखें करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी, भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी पूछा जा रहा है पर। ठीक, गया
गयासुद्दीन तुगलक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, या फिर आपके मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका मैच कर जाएगा सिक्स क्वेश्चन का बी के साथ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास राजवंश की स्थापना की थी, फिलहाल इसका बी करेक्ट है, याद रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है, लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है सेवन, यहाँ पर लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं पूछा जा रहा है। ठीक है, सेवन क्वेश्चन ध्यान से देखो, संसदीय और अध्यक्षात्मक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, राजतंत्री और गणतंत्री, संसदीय राजा, संसदीय और राजा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संसदीय और अध्यक्षात्मक। ठीक, करेक्ट आंसर फिलहाल ऑप्शन नंबर ए है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है, एट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, संविधान इतर निकाय कौन सा है, संविधान इतर निकाय कौन सा है पूछा जा रहा है। यहाँ पर भाषा आयोग, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग। संविधान इतर आयोग, इतर निकाय कौन सा है पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात, राइट आंसर इसका जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वित्त आयोग हो जाएगा, याद रखें। ऑप्शन नंबर एट क्वेश्चन का डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है, भारत का प्रधानमंत्री जो गाइस बनता है किस प्रक्रिया के द्वारा वो चुना जाता है पूछा जा रहा है। निर्वाचन होता है उसका, क्या नियुक्ति होती है, मनोनयन होता है, या फिर चयन होता है। करेक्ट आंसर इसका जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, नियुक्ति की जाती है भारत के प्रधानमंत्री की, याद रखें। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, क्या करेक्ट है, बी राइट है, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टेंथ क्या बनना है। देखिए सारे क्वेश्चन यहाँ पर लगातार कराते रहेंगे, एक भी बातचीत यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक, जो जानकारी वाली चीज़ें होंगी, वो जानकारी वाली चीज़ें आप सभी को बताई जाएंगी जरूर। ठीक, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, याद रखें सभी लोग। टेलीग्राम सर्च कर सकते हो यूट्यूब चैनल पर दस्तक अकेडमी। ठीक, दस्तक अकेडमी टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो, यहाँ पर रेड कलर का लोगो मिलेगा, वहाँ से आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम, वहाँ पर वीडियोज एंड पीडीएफ मिलती रहती हैं। ठीक, और यूट्यूब पर बेसिक मैथ जिसको पढ़ना है, दस्तक अकेडमी सर्च करेगा, दस आगे बनाएगा, 10 फिर 10 के बाद तक अकेडमी, रेड कलर का लोगो मिलेगा, 0 लेवल से मैच चल रही है, वहाँ पर पढ़ सकते हो सभी लोग। ठीक, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है पूछा जा रहा है, चार ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर, बाढ़ नियंत्रण, पीने के पानी की व्यवस्था, दुग्ध उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, याद रखें। ठीक, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी पूछा जा रहा है। यहाँ पर चार ऑप्शंस पढ़िए, बी आर सिंधे, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले। तो करेक्ट आंसर इसका किसके साथ जा रहा है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने, याद रखें। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेल्थ क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन, सर्वोदय योजना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था, सर्वोदय योजना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था। चार ऑप्शंस पढ़िए फटाफट, यहाँ पर जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका बता दे रहा हूँ। ठीक, तो लाइव क्लास चल रही, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, चैट बॉक्स खुलाओ, चैट भी करते रहिए। ठीक, जयप्रकाश नारायण ने, सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण द्वारा स्टार्ट की गई थी, फिलहाल इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है, जो मलेरिया रोग होता है किस अंग को प्रभावित करता है, मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है मलेरिया रोग। चार ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे, ध्यान से पढ़ो और बताओ राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, अतड़ियों को, फेफड़ों को, जिगर को, या फिर तिल्ली को। 13 क्वेश्चन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी तिल्ली को। ठीक, मलेरिया तिल्ली को प्रभावित करता है, तिल्ली को और किस नाम से जानते हैं, तिल्ली को प्लीहा भी बोलते हैं, याद रखें, तिल्ली का दूसरा नाम प्लीहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 में 14 क्वेश्चन हो गए, यहाँ पर 7 का टाइम लगा हुआ था, यानी कि एक क्वेश्चन पर आधा सेकंड का टाइम लग रहा है, यानी कि 100 क्वेश्चन पर 50 लगभग लग जाएंगे। ठीक है, कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, क्वेश्चन 14 देखिए ध्यान से, कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। ठीक है, तो रबड़, गीली मिट्टी, स्टील, या फिर प्लास्टिक। तो करेक्ट आंसर इसका किसके साथ जा रहा है, रबड़, स्टील, गीली मिट्टी, मतलब स्टील, प्लास्टिक, या फिर गीली मिट्टी। तो करेक्ट आंसर इसका जा रहा है, राइट आंसर हो जाएगा स्टील के साथ। ठीक है, सबसे अधिक प्रत्यास्थ होती है स्टील, करेक्ट आंसर इसका जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, भील जनजाति पाई जाती है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। चार ऑप्शन पढ़िए ध्यान से, यहाँ पर जनजातियाँ होती हैं जैसे भील, गौंड, ठीक है, भील, गारो, जयंतियाँ, ठीक, ये सब जनजातियाँ होती हैं, यहाँ पर कहाँ पाई जाती है भील जनजाति, आप सभी से पूछा गया है। क्या मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है, याद रखें। ठीक, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक भील जनजातियाँ पाई जाती हैं, फिलहाल करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वर्णांधता वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, जिसको वर्णांधता रोग है उसको लाल रंग कैसा दिखाई देगा, पीला दिखाई देगा, नीला, हरा, या फिर बैंगनी।
तो 16 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा 19 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, ठीक है, हरा हो जाएगा, ठीक है, हरा दिखाई देगा, याद रखें जो वर्ण अंधता वाला व्यक्ति उसको लाल रंग कैसा दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है, फिलहाल इसका सी मैच कर जाएगा। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन है राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था पूछा जा रहा है यहाँ पर। चार ऑप्शंस पढ़िए, एडवर्ड स्टोन ने, ली कार्बोजियर ने, एडविन लुटियंस ने, या फिर कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, एडविन लुटियंस ने बनाया था राष्ट्रपति भवन का डिजाइन। राइट आंसर फिलहाल ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। चार ऑप्शंस पढ़िए, 1948 में, 1950 में, 1951 में, या फिर 1952 में। तो मैच कर जाएगा इसके किसके साथ, ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर आ जा रहा है 18 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, फिलहाल इसका डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था, मोहम्मद बिन जो तुगलक था ये अपनी दिल्ली से राजधानी कहाँ ले गया था, वारंगल, फतेहपुर सीकरी, दौलताबाद या फिर अहमदाबाद। करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ, दौलताबाद ले गया था, दिल्ली से दौलताबाद, फिलहाल करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, 20 क्वेश्चन ध्यान से देखो यहाँ पर क्या बना है, मानक भारतीय मानक समय किस देशांतर पर अपनाया जाता है, भारतीय मानक जो समय है किस देशांतर पर अपनाया जाता है पूछा जा रहा है। 20 क्वेश्चन ध्यान से देखो, तो करेक्ट आंसर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, रेखाएँ रेखान से यहाँ पर लिखा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, ठीक, 82.5 डिग्री पूर्वी, ईस्ट मतलब पूर्व, ठीक है, पूर्वी देशांतर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो यहाँ पर ना, तट पर अधिक बलों के साथ पहुँचने वाली भूकंपी सागरी तरंगों को क्या कहा जाता है, तट पर अधिक बलों के साथ पहुँचने वाली भूकंपी तरंगों को क्या कहा जाता है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज कर दें, जो भी नए हो, ठीक, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करेगा, अभी फटाफट टाइम दे रहा हूँ, ठीक, लाइक करेगा, और जो भी बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुनामी। तट पर अधिक बलों के साथ पहुंचने वाली भूकंपीय सागर तरंगों को क्या कहा जाता है, सुनामी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन क्या क्वेश्चन मैंने, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है। इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके बताएं, ठीक है। सबसे अधिक रेडियो क्या क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव कौन सा तत्व है यहाँ पर, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, प्लेटिनियम, तो क्या ए है, बी है, सी है, या फिर डी। देखते हैं जी के कौन कौन पढ़ता है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, नीचे कमेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आम का खाने योग्य भाग है, आम का खाने योग्य भाग कौन सा है पूछा जा रहा है यहाँ पर। आम का खाने योग्य भाग कौन सा है, बाह्य भित्ति, मध्य भित्ति, अंतः भित्ति या भ्रूण पोष। करेक्ट आंसर जा रहा है इसका किसके साथ, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर 23 का बी, मध्य भित्ति खाते हैं आम की, याद रखें, ठीक, कौन सी भित्ति, मध्य भित्ति, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। मध्य भित्ति को मीसोकार्प भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीसोकार्प, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बना, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, ठीक, पूछा जा रहा है आप सभी से, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा बोलते हैं। चार ऑप्शंस पढ़िए फटाफट यहाँ पर, क्या हो जाएगा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर नर्मदा। राइट आंसर जा रहा है इसका किसके साथ, 24 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, गोदावरी नदी को बोलते हैं, वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक, गोदावरी नदी को। राइट आंसर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन देखिए, ध्यान से क्या क्वेश्चन लेना, कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है, ऐसा कौन सा रोग है जो वायरस से नहीं होता है, ठीक है, विषाणु से नहीं होता है, ऐसा कौन सा रोग है। चार ऑप्शन से यहाँ पे दे रखें, चेचक, पोलियो, प्लेग या फिर खसरा। देखिए चेचक एक वायरस है, पोलियो एक वायरस है, खसरा एक वायरस है आपका, प्लेग एक वायरस नहीं है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक, प्लेग एक वायरस नहीं है, फिलहाल इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए फिर यहाँ पर, देखिए बता रहे हैं लास्ट में 100% कितने क्वेश्चन आप लोगों ने करेक्ट किए हैं, ठीक है। संडे का महामैराथन है, आप सभी लोग याद रखें, संडे का महामैराथन है। ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, ईसीजी का यूज किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए करते हैं, ईसीजी का यूज प्रयोग किस किसके मापने के लिए करते हैं, ठीक है, हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क या फिर मांसपेशियां। 26 का करेक्ट आंसर जा रहा है ईसीजी, हृदय के लिए किया जाता है, ईईजी बोले तो मस्तिष्क, ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, हृदय के लिए, ठीक है, हृदय की गतिविधि मापने के लिए ईसीजी का यूज करते हैं, ठीक, और ईईजी बोल दी डबल ई, ठीक, ईईजी जब भी बोले तो यहाँ पर मस्तिष्क के लिए वो आ जाएगा, याद रखें, ठीक है। ईसीजी का मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, किस विटामिन को अपनी संक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, किस विटामिन को अपनी संक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है पूछा जा रहा है यहाँ पर, विटामिन B12 को, विटामिन डी को, विटामिन B2 को, विटामिन ए को। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन B12 को, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना, निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है, अश्रु गैस का घटक पूछा जा रहा है यहाँ पर कौन सा है, चार ऑप्शंस देखिए यहाँ पर फटाफट, एथेन, एथेनॉल, ईथर, क्लोरोपिक्रिन। राइट आंसर जा रहा है अश्रु गैस का घटक यहाँ पर क्लोरोपिक्रिन, ठीक राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक क्लोरोपिक्रिन है अश्रु गैस का घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर यहाँ पर, देखिए 29 क्वेश्चन क्या बना, देशों के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है, ठीक है देशों के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या बोला जाता है, ट्रेडिंग ब्लॉक, ट्रेड वेंचर या फिर ट्रेड पार्टनर्स या फिर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिलहाल करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं उसको, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश मतलब मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। राइट आंसर जा रहा है यहाँ पर 30 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति जी करते हैं यहाँ पर, याद रखें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, 30 का डी राइट है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, देखिए यहाँ पर 31 क्वेश्चन के बारे में, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है, मतलब कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है भारतीय संविधान के किस भाग में, एक में, दो, तीन में, चार में या फिर पांच में। राइट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर किसके साथ, भाग चार से संबंधित है, ठीक है राज्य के नीति निदेशक तत्व या फिर सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए, ये भी आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, भाग चार से संबंधित है, ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना, भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य, भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य, 10, 11, 12, 14, करेक्ट आंसर जा रहा है इसका किसके साथ, भारतीय नागरिक के यहाँ पर 11 मौलिक कर्तव्य, याद रखें मौलिक कर्तव्य रूस देश से लिए गए, कहाँ से लिए गए, मौलिक कर्तव्य रूस देश से लिए गए याद रखें, और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए, ठीक मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए, मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक अधिकार 6 हैं, याद रखें इसको भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी को, महात्मा गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी के नीचे फेंक दिया गया था, बताओ फटाफट किस शहर में फेंका गया था, केप टाउन, डरबन, जोहान्सनबर्ग या फिर प्रिटोरिया। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है डरबन शहर में महात्मा गांधी जी को अश्वेत लोगों मतलब श्वेत लोगों द्वारा पीटा गया था और यहाँ पर पटरी के नीचे फेंका गया था डरबन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साउथ अफ्रीका में, 34 क्वेश्चन ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य यानी सर्वाधिक कहाँ पर होती है, मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है पूछा जा रहा है, ठीक है यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं महाराष्ट्र, गुजरात और आपका कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है गुजरात में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है, याद रखें कहाँ होता है, गुजरात राज्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर फिलहाल, तो क्या क्वेश्चन बनना है यहाँ पर, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है कोयना जल विद्युत परियोजना, फिलहाल करेक्ट है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन बना, 36 क्वेश्चन देखिए, किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड मेयो को, लॉर्ड क्लाइव को, लॉर्ड कर्जन को, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को बोलते हैं, करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर 37 क्वेश्चन क्या, 37 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, बुध, मंगल या फिर शनि, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच कर जाएगा, बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए फिर यहाँ पर क्या बनना है, देखिए क्या क्वेश्चन बना, विशिष्ट द्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक या पितामह किसे कहते हैं या फिर कौन था, ठीक है विशिष्ट द्वैत दर्शन शास्त्र का पितामह कौन था, यहाँ पर रामानुजाचार्य थे, याद रखें, ठीक है याद रखें, फिलहाल सी करेक्ट आंसर इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था, ठीक इसमें से कौन सा एक ऐसा लेखक या फिर ऐसा कवि था जो व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था, 39 का ए करेक्ट है,
कबीरदास। ठीक, कबीरदास व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था, याद रखें, गांव देहात में या फिर जो भी जानता हो तो जुलाहा किसे बोलते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जुलाहा का वर्क क्या रहता है, जुलाहा कौन सा काम करते हैं प्लीज बताएं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी पूछा जा रहा है। ठीक है, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी, चार ऑप्शन पढ़िए फटाफट, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर। 40 क्वेश्चन का करेक्ट है ए, गुरु अर्जुन देव ने की थी स्वर्ण मंदिर की स्थापना। स्वर्ण मंदिर कहाँ है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट आ जाना। ठीक है, स्वर्ण मंदिर कहाँ है। देखिए, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, भानु अथैया थे, याद रखें कौन थे, भानु अथैया, ना कि दिलीप कुमार, ना कि मनोज देव, ना कि राजकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए करेक्ट है इसका, भानु अथैया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बना, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, और विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी और किस देश की थी, ये भी आप लोग जानने वाले हो। ठीक, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्री माओ भंडार नायके, कौन थी, श्री माओ भंडार नायके थी, श्रीलंका की थी, याद रखें श्री माओ भंडार नायके से, याद रखें श्रीलंका। ठीक, यहीं की प्रधानमंत्री थी, विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या माना, सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, भारतीय राज्य पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो चार ऑप्शंस पढ़िए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर आपका महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, राजस्थान है, सभी को पता है, बच्चे बच्चों को पता है, यहाँ पर राजस्थान राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है आपका अपना। ठीक है, याद रखें करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन माना है, विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है, विजयनगर राजवंश की राजधानी जो गाइस हम्पी है किस नदी के किनारे स्थित है पूछा जा रहा है, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी या फिर गोदावरी। 44 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित है, याद रखें ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन है ना, विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा मकबरा है गाइस गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, नई दिल्ली। करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी कि दिल्ली। ठीक है, कर्नाटक राज्य में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा गोल गुंबज है कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कौन सा था, वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कौन सा था, इसमें से चार ऑप्शन पड़ी है, पर कुशीनारा या फिर कुशीनगर होगा। ठीक, कुशीनगर, कुंडग्राम, राजगृह, काशी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, कुंडग्राम में हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म स्थान है कुंडग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जा रहा है, पर चार ऑप्शन दिए गए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, किडनी है, हृदय है, यकृत है, इनमें से कोई नहीं, यकृत है, लीवर है, इसी को बोलते हैं। ठीक, यकृत या फिर लीवर, सॉरी यहाँ पर हृदय में लगा रहा हूँ, यहाँ पर ये यकृत या फिर लीवर। ठीक, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी यहाँ पर ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, देखिए क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, क्षय रोग जो है गाइस ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, यकृत, हृदय, किडनी या फिर फेफड़े। 48 क्वेश्चन का डी करेक्ट है, यहाँ पर फेफड़े को प्रभावित करता है क्षय रोग। ठीक, किसको, फेफड़े को। ठीक है, फिलहाल इसका डी मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापने की विधि नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की मापने की विधि नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसका मैं बता दे रहा हूँ डायरेक्टली, ऑप्शन नंबर ए, मूल्यवर्धित विधि, ये राष्ट्रीय आय मापने की विधि नहीं है गाइस, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 50 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, देखिए इसे अगर 50 क्वेश्चन हाफ सेंचुरी हो चुकी है यहाँ पर। ठीक, टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। श्रम प्रधान तकनीकी चुनी जाएगी, किसके द्वारा चुनी जाएगी, किस अर्थव्यवस्था के द्वारा चुनी जाएगी, यहाँ पर करेक्ट आंसर डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, बी करेक्ट है, पूंजी अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था। ठीक, श्रम प्रधान तकनीकी चुनी जाएगी पूंजी अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था में। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या बनना है, प्रथम आधिकारिक क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया, प्रथम आधिकारिक क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया है, चार ऑप्शन पढ़िए ध्यान से, 51 क्वेश्चन ध्यान से देखो, तो मार्च 1829 में, अप्रैल 1953 में, मार्च 1870 में या फिर मई 1888 में, तो 51 क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यहाँ पर 15 मार्च 1870 से लगाकर 19 मार्च 1870 तक, ठीक, 15 मार्च से 19 मार्च तक यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच प्रथम आधिकारिक क्रिकेट टेस्ट मैच हुआ था। ठीक, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है यहाँ पर कौन था? 1857 के विद्रोह के समय कौन था यहाँ पर? कैनिंग था, डलहौजी था, या फिर कर्जन था, फिर लॉरेंस था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग था, याद रखें। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने तो यहाँ पर हड़प नीति अपनाई थी, ठीक है, राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने ही अपनाई थी, याद रखें। लॉर्ड कर्जन तो था, बंगाल विभाजन जब हुआ था 1905 में उस टाइम लॉर्ड कर्जन था, उसको भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है, 53 क्वेश्चन क्या है? देखिए 52 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 53 क्वेश्चन पर आ गए हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सन 1919 में, 1930 में, 1942 में, 1945 में। राइट आंसर जा रहा है यहाँ पर सविनय अवज्ञा कब हुआ था, तो सविनय अवज्ञा हुआ था यहाँ पर 53 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, 1930 में हुआ था, याद रखें आप लोग। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, फिलहाल इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है या फिर पाया जाता है? लाल चने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यूरिएज, जाइमेस, माल्टेज, डाइस्टेज। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, डाइस्टेज पाया जाता है लाल चने में, याद रखें। ठीक, कौन सा एंजाइम? डाइस्टेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? विकासशील देश, एशियाई देश, विकसित देश, या फिर देश, या फिर तेल उत्पादक देश। राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? 55 क्वेश्चन करेक्ट है यहाँ पर ए, विकासशील देश के लिए जाने जाते हैं यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड का शब्द का प्रयोग, थर्ड वर्ल्ड। ठीक, विकासशील देश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2004 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? वर्ष 2004 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था यहाँ पर पूछा जा रहा है? अडियूर गोपाल कृष्णन को मिला था, याद रखें। ठीक, किसको? अडियूर गोपाल कृष्णन को। कंप्लीट ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना बर्लिन में किसने की? वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना बर्लिन में किसने की थी? 57 क्वेश्चन। राइट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर किसके साथ, ए, बी, सी, या फिर डी? 57 क्वेश्चन का डी करेक्ट है, चंपार करमन पिल्ले ने की थी, याद रखिए, चंपार करमन पिल्ले ने। ऑप्शन नंबर इसका डी मैच कर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है, किस सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? किस सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? 1852 में, 1853 में, 1854 में, 1855 में। राइट आंसर जा रहा है 58 क्वेश्चन का बी, 1853 में खोली गई थी, याद रखें। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, लोकसभा के लिए कोरम क्या होता है? लोकसभा के लिए कोरम क्या होता है? तो ऑप्शंस पढ़िए, लिए कुल सदस्यों का तीसरा भाग, कुल सदस्यों का दसवां भाग, कुल सदस्यों का छठवां भाग, कुल सदस्यों का पांचवां भाग। ठीक है, याद रखें 100 क्वेश्चन के लिए इतना कम समय कोई नहीं देगा। ठीक है, 100 क्वेश्चनों के लिए लगभग कोई भी यूट्यूबर आप लोग देख लेना जाकर, 100 क्वेश्चनों के लिए लगभग में एक घंटे का समय जरूर लेगा वो। ठीक, एक घंटा प्लस का ही समय लेगा, यानी 60 मिनट प्लस लेगा, 70 से 75 मिनट या 80 मिनट भी ले सकता है। मेरा यहाँ पर वीडियो देख सकते हो, एक या और भी वीडियो मेरे 100 क्वेश्चनों के बड़े हुए, उसमें यहाँ पर लगभग 40 से 45 या 50 मिनट में कंप्लीट में करा देता हूँ 100 क्वेश्चन। ठीक है, लोकसभा के लिए कोरम क्या होता है, यहाँ पर कुल सदस्यों का दसवां भाग होता है। फिलहाल राइट आंसर जा रहा है इसका 59 क्वेश्चन का बी। ठीक है, बी राइट है, याद रखें आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बना है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा है? महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बताओ फटाफट। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है, फिलहाल इसका बी राइट है। ठीक है, काली मिट्टी महाराष्ट्र राज्य से संबंधित। देखिए गायकवाड़ कहाँ का शासक था? गायकवाड़ कहाँ का शासक था? 61 क्वेश्चन, गायकवाड़ कहाँ का शासक था? बड़ौदा, कानपुर, ग्वालियर, नागपुर। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच कर जाएगा। ठीक, बड़ौदा का शासक था, मतलब कि जो था ये गायकवाड़, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, 2015 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों में 19 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा था, पूछा जा रहा है आप सभी से। तो इसका करेक्ट आंसर मैच करेगा 62 क्वेश्चन का ए, पांचवें स्थान पर रहा था, याद रखें। कौन से स्थान पर? पांचवें स्थान पर रहा था, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? असहयोग आंदोलन सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में स्टार्ट हुआ था, उसमें वायसराय पूछा जा रहा है कौन था, तो कैनिंग था, चेम्सफोर्ड कैनिंग, तो 1857 में था। ठीक है, और यहाँ पर 1920 में पूछा जा रहा है,
तो ये तो पहला वाला तो हो नहीं सकता। ठीक, लॉर्ड इरविन 1928 29 30 के 31 के टाइम था, लॉर्ड रीडिंग नहीं था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक, असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। 64 क्वेश्चन देखिए, तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है या फिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तालचेर केवल उद्योग, जल विद्युत उत्पादन, एरोमेटिक रिएक्टर या फिर भारी जल संयंत्र। राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, भारी जल संयंत्र से संबंधित है तालचेर। फिलहाल इसका डी मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाचा के नाम से सामान्यता किसे जाना जाता है? चाचा के नाम से सामान्यता किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय, सरदार पटेल या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर बाल गंगाधर तिलक? चाचा नेहरू, चाचा नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, फिलहाल इसका भी सी मैच कर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या बनना है। ठीक है दोस्तों, क्या क्वेश्चन है? सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी पूछा जा रहा है यहाँ पर, सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? 66 क्वेश्चन, करेक्ट आंसर ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य संपन्न हुई थी, याद रखे ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए, दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य की? कमेंट बॉक्स में आना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोगों को ही देना है। ठीक, दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है पूछा जा रहा है आप सभी से, तो प्लीज कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट में कर दीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, दो से तीन क्वेश्चन आप सभी के लिए मैंने दे दिए हैं। ठीक, दो क्वेश्चन पहले शायद दिए थे और ये क्वेश्चन हो चुका है, दाभोल विद्युत परियोजना बताओ फटाफट किस राज्य से संबंधित है ये। ओके, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। देखिए, भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा? साक्षरता वाइस यानी पढ़ाई लिखाई में सबसे अधिक कौन से राज्य में है गाइस यहाँ पर, तो केरल राज्य याद रखें, ऑप्शन नंबर इसका ए मैच कर जाएगा। देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन बना है? उदय शंकर का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है? उदय शंकर किस क्षेत्र से संबंधित है पूछा जा रहा है। देखिए गाइस, वीडियो बनाने बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ी, बहुत ज़्यादा परेशानी के साथ मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक, तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखें, प्लीज़ अपना 100% एक्यूरेसी के साथ अपना यहाँ पर टाइम दें। ठीक, और अच्छे से ध्यान से पढ़ें और वीडियो को जरूर देख लिया करें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से बनता है, बहुत ज़्यादा मेहनत से बनता है। ठीक, याद रखें करें आप लोग, अगर तैयारी करने अगर वीडियो पर आएगा तो मेहनत से देखा करें, सही से देखा करें, अच्छे से देखा करें और वीडियो को याद कर लिया करें सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो काफी मेहनत से बनते हैं, आप सभी को टाइम वेस्ट मत किया करें, सही से पढ़ाई करें आप लोग। ठीक, उदय शंकर का संबंध किस क्षेत्र से? नर्तक है याद रखें। ठीक, क्या है? नर्तक है। फिलहाल इसका बी राइट है। देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन बन रहा है? 70 क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के दो नगरों पर परमाणु बम या फिर आणविक बम गिराए? तो जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी में गिराए थे, याद रखें। ठीक, जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी में। ठीक, 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा में और 9 अगस्त 1945 में नागासाकी में। दोनों क्वेश्चनों को याद रखें, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं पेपर में। देखिए, क्या क्वेश्चन बना है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा यहाँ पर किसने दिया था? 71 क्वेश्चन करेक्ट है, बी लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, याद रखें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ठीक, इसका नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। ठीक, किसने? विज्ञान लास्ट में आ जाए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हम संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप सभी का रिस्पांस अच्छा रहा, आप सभी लाइक शेयर कमेंट्स अच्छे से किए, तो आप सभी के लिए हर संडे को 100 क्वेश्चनों की सीरीज आने लगेगी। ठीक, 100-100 क्वेश्चन मैराथन लाया करेंगे आप सभी के लिए। ठीक, तो आप सभी लोग यहाँ पर अच्छे से प्यार दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें स्टडी ग्रुप में, तो हर संडे को यहाँ पर 100 क्वेश्चनों की क्लासेस आएंगी। तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 72 क्वेश्चन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1953 में हुई थी, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए तो यहाँ पर 73 क्वेश्चन क्या बनना है, ध्यान से देखो। फोरेसी प्रेमिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फोरेसी प्रेमिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फोरेसी प्रेमिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? या फिर प्रेमिक लिखा हुआ है, प्रेमिका होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है पर किसके साथ? ऑप्शन नंबर 73 का बी करेक्ट है, तस्लीमा नसरीन जी हैं, याद रखें। फोरेसी प्रेमिका नामक पुस्तक के लेखक तस्लीमा नसरीन जी हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक, 17 है, 27 है, 36 है या फिर 47 है? फिलहाल करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ, 36 है। ठीक, लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह है, याद रखें आप लोग। ठीक है, कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर यहाँ पर क्या बनना है। देखिए, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नामदफा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखें। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदफा नेशनल पार्क।
देखिए क्वेश्चन है, कौन भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है? कौन भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है? कांडला, विशाखापत्तनम, कराईकल, पांडिचेरी या फिर पुदुचेरी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी है, विशाखापत्तनम है, याद रखें विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन देखा जाए, देखिए क्या क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत बार कराया मैंने प्रैक्टिस सेटों में अभी तक, ठीक है। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद देव। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 77 का ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक देव है, याद रखें। 77 क्वेश्चन का राइट आंसर किसके साथ मैच कर जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 77 का। अगला क्वेश्चन देखिए, 78 क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? 78 का करेक्ट आंसर जा रहा सी के साथ, ठीक, चंद्रशेखर आजाद ने की थी, 1928 में की थी। कब की थी? 1928 में की थी चंद्रशेखर आजाद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में? कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में पूछा जा रहा आप सभी से? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। करेक्ट आंसर 79 का यहाँ पर बी है, झारखंड है, ठीक, याद रखें कोयले का सबसे बड़ा भंडार झारखंड राज्य में, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, 80 क्वेश्चन क्या, इसके बाद लास्ट 20 क्वेश्चन ही बचे हुए, ठीक। तो जो भी बच्चे यहाँ पर वीडियो पर आया करें, अगर देखने आया करें तो बिल्कुल माँ कसम खा कर आया करें, माँ की कसम खा कर आया करें, माँ के सौगंध की कसम खा कर आया करें कि आज क्वेश्चनों के धुआं धुआं कर देंगे और यहाँ पर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाएंगे 100 तब तक यहाँ पर वीडियो से हटना नहीं मुझे, ठीक। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा जुनून, ऐसा एटीट्यूड लेकर आया करें आप लोग, ठीक। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखा करें, क्या पता क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ही लास्ट वाले से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाए आप सभी के पेपर में, ठीक है, इसलिए बोलता हूँ लास्ट तक जरूर देखा करें। किस राज्य ने ऊंट को अपना राज्य पशु घोषित किया था? सिंपल सी बात है, राजस्थान राज्य वो है, ठीक है, राजस्थान राज्य, याद रखें। देखिए 81 क्वेश्चन, अंकोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है? हिंदू मंदिर है, याद रखें, अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया में है, याद रखें, ठीक है, हिंदू मंदिर है, कंबोडिया राज्य में, मतलब कंबोडिया देश में स्थित है हिंदू मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है, रामनाथ गोयनका लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रामनाथ गोयनका लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कुलदीप नैयर को, ठीक, ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, कुलदीप नैयर को, 82 का ए राइट आंसर मैच कर जाएगा। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनी अबेदीन, सिकंदर, रानी दिद्दा या फिर सिंह को। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, जैनू अबेदीन, ठीक, ए करेक्ट आंसर मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 84 क्वेश्चन के लास्ट के 16 क्वेश्चन फिर और बचे हुए, किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? तो सिंपल सी बात है, मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम या फिर श्रीनगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखें, फिलहाल इसका डी करेक्ट है। देखिए तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा बढ़ जाए, क्रमशः बढ़े, सहसा कम हो जाए, क्रमशः कम हो जाए। 85 का इसका सी करेक्ट है, सहसा कम हो जाए, ठीक है, याद रखें क्या करेक्ट है, ऑप्शन नंबर इसका सी मैच कर जाएगा, सहसा कम हो जाए तो यहाँ पर तूफान की भविष्यवाणी की जा सकती है, जो वायुमंडलीय दाब है सहसा कम हो जाए, धीरे धीरे कम हो जाए। देखिए 1921 में नरेंद्र मंडल या चेंबर ऑफ प्रिंसेज किसके द्वारा आरंभ किया गया? 1921 में नरेंद्र मंडल या फिर चेंबर ऑफ प्रिंसेज किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो लॉर्ड कर्जन, वेलेजली या फिर ड्यूक ऑफ कर्नाट या फिर ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। तो 86 का करेक्ट है यहाँ पर सी, ड्यूक ऑफ कर्नाट के द्वारा, ठीक है, याद रखें। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, उच्चतम न्यायालय के सेनानिवृत्ति न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने में मनाही है? उच्चतम न्यायालय के जो कई सेनानिवृत्ति न्यायाधीश होते हैं, जो सेनानिवृत्ति हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, वो कहाँ पर वकालत करने के लिए उनको मनाही है? भारत के किसी भी न्यायालय में, ठीक, भारत के किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते, याद रखें, मनाही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बना है, विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है? विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है? यहाँ पर चीनी, स्पेनिश, उर्दू या फिर अंग्रेजी या फिर इंग्लिश, ठीक है। तो करेक्ट आंसर चीनी भाषा है, सबसे अधिक लोग चीन में ही है, तो चीनी भाषा सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, सिंपल सी बात है, याद रखें आप लोग। 89 क्वेश्चन क्या है, देखिए इस क्वेश्चन को, भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है या फिर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है, वो याद रखें, ठीक, इंदिरा गांधी नहर, बी करेक्ट है। देखिए भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? ऐसी कौन सी नदी है जिसको खुला नाला के नाम से भी जानते हैं? भारत की नदी है, ठीक, खुला नाला,
तो करेक्ट आंसर जा रहा है इसका किसके साथ, ऑप्शन नंबर 90 का बी करेक्ट है, यमुना नदी को बोलते हैं खुला नाला, याद रखेंगे ठीक है, यमुना नदी को खुला नाला के नाम से जानते हैं। फिलहाल इसका बी राइट आंसर मैच कर जाएगा, कंप्लीट हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर 91 क्वेश्चन क्या बना, दिसंबर ये भी 15 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में किसका स्मरण करने के लिए मनाया जाता है, किसका स्मरण करने के लिए विजय दिवस मनाया जाता है 15 दिसंबर को, पाकिस्तान पर सन 1971 की विजय के रूप में मनाया जाता है, याद रखें ठीक है। फिलहाल इसका भी सी करेक्ट है। शाहनामा किसकी कृति, सिंपल सा क्वेश्चन है, फिरदौसी की कृति है, किसकी कृति, फिरदौसी की, सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना ही है आप लोगों को, शाहनामा फिरदौसी की कृति है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के लिए सदस्य की न्यूनतम आयु सीमा क्या, ये सभी लोगों को आप सभी को मुंह में मौखिक की याद होनी चाहिए सभी क्वेश्चन ठीक है। राज्यसभा लोकसभा के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मुख्यमंत्री के लिए ठीक है, सभी के याद रखें, राज्यसभा के लिए होनी चाहिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए होनी चाहिए कितनी, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, याद रखें ठीक है। तो यहाँ पर 93 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, राज्यसभा के लिए पूछ रहा है ना वो, राज्यसभा के लिए होती है यहाँ पर 30 वर्ष ठीक है, न्यूनतम आयु सीमा। देखिए क्वींस बरो रूल किस खेल से संबंधित है, क्वींस बरो रूल किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, टेनिस, बॉक्सिंग या फिर हॉकी। 94 क्वेश्चन का सी करेक्ट है, बॉक्सिंग से संबंधित है क्वींस बरो रूल, फिलहाल इसका भी सी मैच है। देखिए क्या क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तक किसे दिया गया या किसे कहा गया ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तक थे लॉर्ड मैकाले, किस ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में है लॉर्ड मैकाले, करेक्ट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखिए 96 क्वेश्चन क्या, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी, भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कार्नवालिस, किस ऑप्शन में, लॉर्ड कार्नवालिस डी में ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कार्नवालिस के टाइम में आरंभ हुई थी, याद रखिए 96 का डी करेक्ट है। देखिए एंजाइम्स मुख्य रूप से होते हैं, एंजाइम्स देखिए जीके एंड जीएस दोनों ही होती है, यानी सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले होते हैं ठीक है। तो एंजाइम्स मुख्य रूप से क्या होते हैं, एंजाइम्स मुख्य रूप से प्रोटीन्स होते हैं, याद रखिए 6 से 7 क्वेश्चन आप सभी के, 5 से 6 या 6 से 7 क्वेश्चन साइंस के भी रहेंगे पेपर में ठीक है। तो एंजाइम्स मुख्य रूप से प्रोटीन्स होते हैं, याद रखें। नाटो का मुख्यालय पूछा गया यहाँ पर, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नाटो का मुख्यालय, नाटो का फुल फॉर्म जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट में छाप दे ठीक है। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ब्रुसेल्स में स्थित है, इसका भी मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है। 99 क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ पर क्या, किस शहर को जंतर मंतर स्थित, किस शहर में जंतर मंतर स्थित है, 99 क्वेश्चन ध्यान से देखो, किस शहर में जंतर मंतर स्थित है, लखनऊ, नई दिल्ली या लखनऊ, दिल्ली, आगरा या फिर आगरा या फिर हैदराबाद। 99 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, दिल्ली में स्थित है जंतर मंतर, याद रखें कहाँ स्थित है, लखनऊ मतलब कि दिल्ली में स्थित है यहाँ पर जंतर मंतर ठीक, जंतर मंतर कहाँ स्थित है, दिल्ली में। लास्ट क्वेश्चन आज का 100 क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दास प्रथा को समाप्त किया था, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दास प्रथा को समाप्त किया था, पूछा जा रहा है 100 क्वेश्चन यहाँ पर होते हुए ठीक है। अब्राहम लिंकन, थॉमस जोफरसन, जॉर्ज वाशिंगटन, स्टेनली जैक्सन, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, अब्राहम लिंकन, याद रखें करेक्ट आंसर क्या है, ए करेक्ट है, इन्होंने ही दास प्रथा अमेरिका में समाप्त किया था, याद रखें ये राष्ट्रपति थे ठीक है। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें ठीक, लाइक किया करें, थैंक यू। तो आप सभी का रिस्पांस अच्छा रहा, आप सभी का रिस्पांस अच्छा रहेगा तो आप सभी के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ भी मिलते रहेंगे ठीक है, थैंक यू।